वो लोग जरूर सुन लें जिनके दिमाग में ये किसी ने गलत भर दिया है कि वो मरते समय गाय की पूंछ पकड़ लो तो हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। ये गौदान का मतलब ये नहीं कि मरते समय पूंछ पकड़ लो, अच्छे भले गाय का दान करना चाहिए, साल में एक बार जरूर कर दो, नहीं साल में करो तो जीवन में एक बार कर दो। और अगर गौदान यज्ञ में हो, भागवत में हो, कन्या की शादी में हो, तो वो तो और श्रेयस्कर माना जाता है। अगर मकर संक्रांति को करें या बसंत पंचमी को या फुलौरी दोज को या अक्षय तृतीया को या भड्डुली नवमी को या देवोत्थानी एकादशी को किसी पर्व पे करें तो बहुत गुना फल होता है। तो ये नहीं हो सकता है कि पूंछ पकड़ने हो गया ना, सुन लीजिए कैसी गाय होनी चाहिए। पयस्विनी तरुणी शील रूपिणी घोड़ो प्रपन्न कपिला हेम श्रृंगी न्यायार चिता रूप खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददा विह। पयस्विनी दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए, दूध देती हो। पयस्विनी तरुणी शील रूपिणी घोड़ो प्रपन्न कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य पुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा। तो पहले तो उन्होंने यही शर्त रख लिया कि पयस्विनी अगर दूध नहीं दे रही है तो दान योग्य नहीं है, दूध देती हो। पयस्विनी मतलब दूध देने वाली हो। तरुणी, तरुणी का मतलब जवान। शील रूपिणी सीधी हो। गुड़ो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी कपिला वर्ण हो। हेम श्रृंगी सोने से सींग मढ़े हो। यहां तक आप कर सकते हैं, इसमें कोई असंभव नहीं। एक बात सुन तो लीजिए, करें कि ना करें वो संभव नहीं है, वही आप कर नहीं सकते हैं और उसके बिना दान हो नहीं सकता। ऐसा पेच लगाया सुखदेव जी ने, हमें लग रहा था कोई भी हजारों गैया दान कर दे इसमें क्या बड़ी चीज, लेकिन उन्होंने एक पेच लगाया। न्यायार जिता रूप खुरा सवत्सा, ये पेच है। बहुत विद्वान श्रोता हैं सभागार में। न्यायार जिता रूप खुरा सवत्सा, उस गाय को खरीदने में, उस गाय के दान करने में जो भी खर्च किया जा रहा है न्यायार्जिता, वो अपने परिश्रम का धन होना चाहिए। अगर अन्याय के द्वारा वो धन लाया गया है तो सोने से पूरी गाय को मढ़ दो फिर भी वो पुण्य नहीं होगा। ये एक पेच है, इसी को हम लोग समझ नहीं पा रहे। आजकल एक बड़ा तमाशा सा चला है, आप लोग देख ही रहे होंगे। लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि उसने इतने मंदिर बनाए और इतने भंडारे किए, इतने पैसे लुटाए और इतना रुपया और इतनी बिटियों की शादी कराई और इतना भंडारा कराया और पुण्य नहीं मिल रहा है। मैं आपको गारंटी लेकर कह रहा हूं कि पुण्य मिलेगा, पुण्य चौराहे पे आपको ढूंढेगा, आगे पीछे फिरेगा। लेकिन एक काम हमारे कहने से आपको करना होगा, तुमने कहां कहां पैसे लुटाए ये तो तुम्हारी डायरी में लिखा है, लेकिन तुम कहां से लूट के लाए ये भी तो लिखिए। तो वो आप लिखना नहीं चाहते, तो खाली भगवान को पागल समझ रहे हैं आप। अगर तुम्हारे कमाई का तरीका धर्म है तो ये लुटाने का तरीका धर्म नहीं होगा। आज लोग ये समझते हैं कि जब हम कमाते हैं तो उस समय पर भगवान के ऑफिस में ताला पड़ा है, और जब हम एक कंबल किसी को बांटते हैं तो भगवान देख ले, है ना। तो ये क्या मतलब हुआ,
जब तुम कमाने का तरीका तुम्हारा ठीक नहीं है तो लुटाने का तरीका भी धर्म नहीं होगा। अगर यही धर्म की व्याख्या हो तो आप सब ने देखा है, आप सब उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर एक नहीं हजारों डाकू हुए, बड़े बड़े नाम वाले डाकू हुए, लेकिन उन डाकुओं से ज्यादा पूजा कोई नहीं कर सकता, उनसे ज्यादा मंदिर कोई नहीं बना सकता। वो तो चाहे सवा कुंटल पीतल चढ़ा दें, लेकिन माई उन पे खुश नहीं हुई। क्यों? माई को पता है कि ये सवा कुंटल पीतल कितने के आंसू गिरे होंगे तब ये लूट के लाया। तो अगर यही धर्म है तो कोई भी धर्म कर लेगा। धर्म का मतलब है कि आप कहां से कमा के ला रहे हैं, तब उसको कहां खर्च कर रहे हैं। इसलिए दो चौपाइयां मानसकार ने दी, जिमी सारी तासागर महु जाई, जिमी सारी तासागर महु जाई, यद्यपि ताही कामना नाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म शील पहि जाहि सुभाए, धर्म शील पहि जाहि सुहाए, सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, जिम सरिता सागर महु जाई। सागर ने सरिता को कभी आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सरिता अपने आप सागर की तरफ जाती है। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहीं जाहि सुभाए। सुख और संपत्ति धर्मशील प्राणी के पास स्वाभाविक ढंग से जाती ही है। कमाने के तरीकों को ठीक रखिए। आजकल सब जगह धर्म पर भी बड़ा कुठाराघात हो रहा है, बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग तो बड़े परेशान हैं, देख के ही परेशान है कि हो क्या रहा है। कई जगह हम देख रहे हैं झंडा बांधने जा रहे हैं, ट्रैक्टर की ट्राली पलट गई। अरे अरे माई में कोई सामर्थ नहीं है, ट्राली पलट गई। अच्छा माई में सामर्थ नहीं है ना, और सामर्थ होती थी ट्राली क्यों पलट गई? अरे भले आदमी, माई ने ये कहा था झंडा हाथों में लेकर श्रद्धा से मेरे चरणों में चढ़ाना, सुबह सुबह जलपान करना, सुबह केवल अन्न ग्रहण मत करना, आकर के श्रद्धा से माथा टेकना। माई ने ये कब कहा था कि झंडा बांधने आना तो शराब पी के ही आना? अरे ये ट्राली नहीं पलटेगी, तुम तो माई को पलटने पे लगे हो, क्या तमाशा मचा रखा है? अरे ये शराब पी के झंडा चढ़ाने जा रहे, ये पुण्य है कि पाप कर रहे हैं? तो हम पाप को हवा दे रहे हैं और पुण्य का नाम लिख रहे हैं। किसने कहा था कि इतने लोग शराब पी के झंडा चढ़ाने जाएंगे? वो तो पलटेगी ही, यही होगा। चूंकि हम धर्म को वहां ले जाना चाह रहे हैं जहां उसका कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान कहते हैं थोड़ा करिए, लेकिन उसका ध्यान तो रखिए कि अधर्म ना होने पाए। इसलिए हम लोग चिंतन करें।